हजरात काउंसलेट का स्टाफ नहीं नहीं जी, कश्मीरियों की बायकॉट ऐसी कोई रीज़न नहीं है। 5 फरवरी जी एक संडे का दिन है और संडे वाले दिन हमारे ये जो काउंसलेट वाला एरिया है ये एक डिप्लोमेटिक इनक्लेव है और डिप्लोमेटिक इनक्लेव में एंट्री में हमेशा एक प्रॉब्लम आती है। हमारा पिछला एक्सपीरियंस, हमने संडे को एक फंक्शन किया था जिसकी वजह से हमने इस दफ़ा इसको पहले कर दिया। सैटरडे और संडे पे अगर जब हम इधर फंक्शन रखते हैं तो लोग आ नहीं सकते हमारे पास। इसमें समझने की जो ज़रूरत है ना वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान ने कश्मीरियों का मसला हर फोरम पर रेज़ करना है। हम उनको पॉलिटिकल, मॉरल, डिप्लोमेटिक सपोर्ट हमेशा करते रहेंगे। यही कश्मीरी कम्युनिटी से कहूँगा, पाकिस्तानी कम्युनिटी से कहूँगा कि ये दिन बाकी मुल्कों में, बाकी जगहों में सही बनता है तो ये दुबई कॉन्सुलेट को क्या मसला बन रहा है कि वो अपने कन्वीनियन के तौर पे करते हैं और ये चीज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल है। जो वो साहब हैं, मुझे नहीं पता वो कौन है, जिन्होंने कहा जी कि 5 कश्मीरी आ जाएं तो 70-80 आदमी हमारा कॉन्सुलेट का है, तो फिर 5 की क्या ज़रूरत आप कॉन्सुलेट वाले कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा जनाब लावल भुट्टो ज़रदारी से ये दरख्वास्त करूँगा कि वो इस चीज़ का नोटिस लें कि क्या वजह है कि यूम जिक्रती कश्मीर को महदूद किया जा रहा है और इस दफ़ा तो बिल्कुल ही इसको महदूद किया गया है। तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है और कश्मीरी कम्यूनिटी यकीन माने कि बहुत तशवीश का शिकार है और ये कोई अच्छा साइन नहीं है तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए। उन्होंने 3-4 दिन पहले ही वो उसको अनाउंस कर दिया और उसकी भी हमें समझ नहीं आई और मैं ज़ाती तौर पर मैंने उनसे दरख्वास्त की कि आप काम चो करें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। और पाकिस्तान ने भी हमेशा कश्मीरियों की वकालत की, लेकिन थोड़ी सी गलती यहाँ पे पाकिस्तानी कौंसलेट की है और ये दुबई में ही ऐसा हुआ है। हमने बहुत सी जगहों पे अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में और अमेरिका में, उसके अलावा दीगर जगहों पर ज़ाती तौर पर हमने इस प्रोग्राम को मनाया और माशाल्लाह बड़ी कोऑर्डिनेशन के साथ पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन यहाँ पर दुबई में कौंसल जनरल साहब की अदम दिलचस्पी की वजह से कश्मीरियों को इग्नोर किया जाता है प्रोग्राम। और हमको उम्मीद है कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इस पर भरपूर नोटिस लेंगे और हम पूरी कश्मीरी कौम इस पर सरापा एहतजाज हैं कि इस तरह के प्रोग्रामात को, इसलिए हम लोगों ने बायकॉट भी किया है कि इस प्रोग्राम में हम ज़ाती तौर पर आज़ाद कश्मीर का कोई बच्चा भी आज इस प्रोग्राम में नहीं गया। तो और ये लाजिक भी नहीं बनती है कि ये 5 तारीख का प्रोग्राम जो है वो 2 तारीख को या 3 तारीख को की जाए, 6 तारीख को कर सकते हैं। हमने सब उनको बताया था कि इस तरह हो सकता है, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, तो इसलिए हमने बायकॉट किया।